नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। देश समेत विश्व में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अब विश्व एकमत हुआ है कि क्यों ना हम सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करें और इसका हम उपयोग भी करें। इसी कड़ी में भारत सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है। सोलर ऊर्जा की बात करें तो अब हम बिहार की अगर हम बात कर लें भारत के साथ साथ, तो केंद्र सरकार की सहायता से बिहार में भी इसको लेकर कई प्रोजेक्ट के कार्य चल रहे हैं। अगर हम ताज़ा मामला की बात कर लें तो बिहार के दरभंगा में प्रदेश में पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि तालाब के पानी के ऊपर सोलर प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। साथ ही इस सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विद्युत उपकेंद्र भी बनाया जा रहा है। इस सोलर प्लांट में 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बता दें कि यह तैरता हुआ सोलर प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में स्थित तालाब में बन रहा है। इस तालाब के बगल में दरभंगा तारामंडल भी बन रहा है और दूसरी ओर साल 1938 में बना पहला उत्तर बिहार का पावर हाउस खंडहर के रूप में तब्दील पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसी तालाब से बिजली का उत्पादन भी होगा। बता दें कि आज खंडहर में तब्दील बिजली पावर हाउस में कभी उतनी ही बिजली तैयार हुआ करती थी, यानी कि 1.6 मेगावाट की बिजली के उत्पादन की बात अभी उससे कही जा रही है। तो अभी जो वर्तमान में खंडहर बना हुआ जो यह उत्तर बिहार का पहला पावर हाउस है, उसमें भी 1.6 मेगावाट की बिजली का उत्पादन उस समय भी किया जाता था। ऐसे में अब दरभंगा एक इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार में बने इस तैरते हुए पावर प्लांट एक तालाब में पानी के ऊपर लगाया गया है। बताया यह भी गया है कि इस तालाब में मछली का भी उत्पादन होता है और सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करने से मछली पालन पर कोई असर नहीं होगा। तालाब में बिजली का भी उत्पादन होता रहेगा और मछली का भी उत्पादन होता रहेगा, यानी कि एक साथ दोनों काम वहां पे हम कर सकते हैं। बता दें कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आगे इसका भी विस्तार किया जाएगा। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी कहते हैं कि बिहार सरकार के PPD मोड पर यह फ्लोटिंग पावर प्लांट तालाब में लगाया गया है। यह एक सफल प्रयोग होने वाला है। इसमें सफलता मिली तो अन्य तालाब में भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। दरभंगा के DM त्यागराजन कहते हैं कि दरभंगा में अनेकों तालाब हैं। ऐसे में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन होने से न सिर्फ बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि ज़्यादा बिजली उत्पादन होने से इनकी कीमतों में भी गिरावट होगी। लोगों को जल्द ही जल्द इसका लाभ में मिलेगा। प्लांट लगाने वाले कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित सिंह ने बताया कि इस पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे ही सरकार का विद्युत उपकेंद्र बनकर तैयार हो जाएगा, इसे चार्ज कर बिजली उत्पादन शुरू कर दी जाएगी। रोहित सिंह ने बताया कि इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होगा और ना ही तालाब की बनावट में अगर मछली पालन करने में भी कोई छेड़छाड़ किया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि एक साथ दो काज वाली जो कहावत है अपने यहाँ, वो सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। और हमने अपने इसी वीडियो में कहा कि दरभंगा एक इतिहास लिखने जा रहा है, तो सच में दरभंगा जो है एक इतिहास लिखने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिजली की समस्या आम होती गई थी पिछले लंबे समय से, और अभी भी अगर हम वर्तमान में बात कर लें तो कोयला पर आधारित बिजली अपने यहाँ है, तो ऐसे में अगर सोलर एनर्जी पर अगर भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अगर बिहार के लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करें तो सच में यह बिहार एक क्रांति के रूप में आगे देखा जाएगा। तो वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो सोलर प्लांट को लेकर दरभंगा ने एक बेहतरीन काम किया है और वहां तैरता हुआ सोलर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। 1.6 मेगावाट की बिजली के उत्पादन की बात कही जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।